नमस्ते बच्चों, मैं अनुपमा फिर से आपके सामने। आज हम व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण विषय समास के विषय में अध्ययन करेंगे। समास आपने पहले तो पढ़ा ही होगा इसे पिछली की कक्षाओं में, लेकिन आज हम देखेंगे उसके सभी भेद, उसके सभी प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ चित्र दिए हैं। चित्र तो दिखाई दे रहा है आप सभी को? चित्र यहाँ पर हमने इसके लिए लिखा है घोड़े पर सवार। क्या लिखा है हमने? घोड़े पर सवार। अब मैंने क्या किया कि घोड़े पर सवार इसके लिए ये दो से तीन शब्दों को संक्षिप्त कर दिया और मैंने इसके लिए शब्द लिखा घुड़ सवार। फिर वैसा ही हमने यहाँ पर लिखा, ये चित्र किसका है? एक औरत क्या कर रही है? अपने रसोई में खाना बना रही है। तो उसके लिए हमने क्या लिया है यहाँ पे? रसोई के लिए घर। अब हमने ये दो से तीन से ज़्यादा शब्दों को हमने यहाँ पर संक्षिप्त कर दिया और उसके लिए एक शब्द लिखा रसोई घर। वैसे ही यहाँ पर जो चित्र है उसमें एक औरत का चित्र है जिसकी आँखें बहुत ही सुंदर हैं, इसलिए हमने उसके लिए लिखा कमल के समान नैनों वाली। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जितने भी शब्द है उसके लिए एक शब्द लिखा कमल नैनी। यहाँ पर है राजा का पुत्र, उसके लिए हमने क्या लिखा? राजपुत्र। वैसे ही मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ और भी शब्द लिए हैं। देश का भक्त, क्या यहाँ पर? देश का भक्त। अगर मैं इसे संक्षिप्त करूँ और दो से तीन शब्दों के लिए मैं यहाँ पर एक शब्द बनाती हूँ और मैं लिखती हूँ देश भक्त। यहाँ पर है वन में वास, मतलब जो वन में रहने वाला, तो मैंने इसके लिए एक शब्द लिखा वनवास। ठीक है, नीली है जो गाय, इसके लिए मैंने इसे संक्षिप्त किया और इसके लिए लिखा नील गाय। बुरा है जो पुत्र, तो मैं इसे क्या लिखूंगी? बुरा पुत्र। क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकती हूँ? नहीं, बुरा है के लिए हम क्या लिखेंगे? कुपुत्र। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो शब्द दिए गए हैं आप उसको उसी तरीके से लिखेंगे, एक सार्थक शब्द बनाएंगे। जल में मग्न, जल मग्न। ठीक है, सिर में दर्द, उसके लिए हमने एक शब्द लिखा सिर दर्द। ठीक है, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? यश प्राप्त। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को, अधिक शब्दों से हमने एक शब्द बनाया और इसे ही समास कहते हैं। तो आपने जिस प्रकार से इसे इन दो या दो से अधिक शब्दों के लिए एक शब्द बनाया, इसी के अनुसार आपको इसकी परिभाषा बनानी है कि दो या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द बनाना, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है एक सार्थक शब्द,
एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। हमने जो बनाए शब्द उसमें से मैंने यहाँ पर दो उदाहरण लिए हैं, देशभक्त वनवास। तो जब आप इसका उच्चारण करते हो तो देशभक्त में आपको यहाँ पर एक शब्द और दूसरा शब्द, वैसे ही वनवास में वन और वास, यहाँ पर दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? पहला शब्द है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर दूसरा शब्द है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इस पर ही आधारित है समास के जितने भी भेद हैं, वो इन दोनों पर आधारित है। देश में पहला शब्द, भक्त दूसरा शब्द, वनवास में वन पहला शब्द, वास दूसरा शब्द। मैंने उसे अलग कर लिया है, देश वन यहाँ पर पहला शब्द, भक्त और वास दूसरा शब्द। इसे, इस पहले शब्द को हम क्या कहते हैं? पूर्वपद। पहले शब्द को हम कहते हैं पूर्वपद और इस दूसरे शब्द को हम कहते हैं उत्तरपद। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपके सामने ये शब्द आए तो ऐसा ना हो कि आप उसे अपरिचित हो। इस पहले शब्द को हम पूर्वपद कहते हैं, पूर्व मतलब होता है पहले, और दूसरे शब्द को हम कहते हैं उत्तरपद। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि समस्त पद, समस्त पद मतलब क्या होता है? ये जो है इसे हम समस्त पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद के जुड़ने से जब नया शब्द बनता है उसे ही समस्त पद कहते हैं। तो आपके सामने बार बार ये शब्द आएगा तो आपको इससे ऐसा ना हो कि आप इस शब्द को पहली बार सुन रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है। पूर्व पद और उत्तर पद के जुड़ने पर बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। जो समस्त पद की परिभाषा क्या होगी? पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों के जुड़ने पर बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये है समस्त पद और इस समस्त पद में पहला जो शब्द है उसे हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरा जो शब्द है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। और जब हम इन दोनों के जुड़ने पर पूर्व पद और उत्तर पद के जुड़ने पर बना जो नया शब्द होता है उसे हम कहते हैं समस्त पद। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया? जनादेश, सीमा रेखा, ये क्या है? समस्त पद है। क्या है ये? समस्त पद। अब मैंने इस समस्त पद को अलग अलग करके लिखा। जन का आदेश, जनादेश। सीमा की रेखा, सीमा रेखा। मैंने जब इस समस्त पद को अलग अलग करके लिखा उसे कहते हैं समास विग्रह। तो परीक्षा में आपको जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें ऐसा होगा कि समस्त पद दिया हुआ है और आपको कहा जाएगा कि समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो आपको ध्यान में रखना है, इसे समस्त पद कहते हैं और इसे समास विग्रह कहते हैं। ये जो प्रश्न है आपको 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे, और 2 अंक के लिए जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें ऐसा होगा कि ये समास विग्रह आपको दिया हुआ होगा और आपको कहा जाएगा कि समस्त पद बनाते हुए समास का नाम लिखिए। तो आपके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसे क्या कहते हैं? समस्त पद। और समस्त पद को ही अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह मतलब ही होता है अलग अलग करना। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं
तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ये ध्यान में रखिए, जब समस्त पद के सभी पद, पद मतलब पता है आपको क्या होता है पद, जब शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वे पद बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कमल, कमल एक फूल का नाम है, एक शब्द है, अलग से ये शब्द है, स्वतंत्र शब्द, लेकिन जब मैं इसका प्रयोग वाक्य में करती हूँ, कमल का फूल बहुत ही सुंदर होता है, तो यहाँ पर जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तब वे पद बन जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह करना मतलब अलग अलग करना, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको आधे आधे मार्क्स इस पर हैं, तो आधे मार्क्स आपको इस पर हैं, पूछे जाएंगे, समास के भेद। संस्कृत के अनुसार समास के छह भेद माने जाते हैं, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, संस्कृत के आधार पर। लेकिन हिंदी में व्याकरण के आधार पर समास के चार भेद माने जाते हैं, तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये दो भेद हैं, द्विगु समास, कर्मधारय समास, ठीक है, और दूसरा है बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। लेकिन अलग अलग किताबों में आपको दिया हुआ है कि समास के छह भेद माने जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि संस्कृत के अनुसार समास के छह भेद हैं, लेकिन हिंदी के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार समास के चार भेद हैं, और द्विगु समास और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले कर्मधारय समास और द्विगु समास पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम हर एक प्रकार पर, हर एक भेद पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास, आपने जब भी आप बनाते हो समस्त पद तो उसमें दो शब्द होते हैं, वो हमेशा ध्यान में रखिए, दो शब्द होते हैं, तो उसमें पहला शब्द जो है उसे हम कहते हैं पूर्व पद, और दूसरा जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। विशेषण और विशेष्य आपने पढ़ा है, विशेषण किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो कर्मधारय समास में आपको ध्यान में रखना है दो बात, उसमें पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समस्त पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण बात है, इसमें पहला यह है कि जिस समस्त पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मैंने आपको इसे आसान तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक सूत्र दिया है, ये सूत्र जो है आपको हमेशा आपकी परीक्षा में काम आएगा, और इसे अच्छे तरीके से याद रखना है। पहला तो हमेशा याद रखना है पहला शब्द और दूसरा शब्द, पहला शब्द मतलब यहाँ पर जो भी विशेषण शब्द है उस समस्त पद में, उस विशेषण का प्रयोग आप करोगे यहाँ पर, और जब आप उसका समास विग्रह करोगे, मतलब जब भी आप किसी शब्द को उसे उसका अलग अलग पद लिखोगे, समास विग्रह करोगे, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है उसमें जोड़ना क्या है, है जो, अधिकतर स्थान पर है जो का प्रयोग ही होता है, और दूसरा शब्द क्या है यहाँ पर, संज्ञा,
मतलब जिसकी विशेषता बताई गई हो वह दूसरा शब्द। तो ये सूत्र हमेशा याद रखिए, पहला शब्द प्लस है जो प्लस दूसरा शब्द, ये सबसे आसान तरीका है। और अगर आपको ये याद रहेगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर्मधारय समास का विग्रह कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा सुहास, सुहास का जब हम विग्रह करते हैं तो उसका अर्थ होता है सुंदर, और हास मतलब हंसी। सुंदर जोड़ा किससे हमने, सूत्र में क्या दिया है जो, सुंदर है जो हंसी, सुंदर विशेषण है और ये किसकी विशेषता है, हंसी की, इसलिए विशेषण प्लस है जो प्लस जो भी संज्ञा है उसे आप लिख सकते हो। महावीर, महान है जो वीर। महायुद्ध, महान है जो युद्ध। सूक्ष्माणु, सूक्ष्म है जो अणु। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। सुविचार, सु मतलब क्या होता है, अच्छा, अच्छा है जो विचार। नील गगन, नीला है जो गगन। तो यहाँ पर जितने भी शब्द, यहाँ पर पहला शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है, ठीक है। और हंसी, वीर मतलब जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है वो दूसरा शब्द जो है वो अंत में आएगा, और उसे हम जोड़ किससे रहे हैं, है जो, ये ध्यान में रखिए। जिस समस्त पद में विशेषण और विशेष का संबंध होगा वो कर्मधारय समास होगा। तो ये पूरा जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आगे बढ़े। तो अब कर्मधारय समास में दूसरा, मैंने आपको कहा था इसमें दो महत्वपूर्ण बात है, पहला है विशेषण और विशेष, और दूसरा है उपमेय और उपमान, ठीक है। उपमेय मतलब होता है जिसका वर्णन किया जाए, और उपमेय का अर्थ होता है जिसकी समानता हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, सीता जी का मुख चांद के समान सुंदर है, तो सीता जी का मुख जो है वो क्या होगा, उपमेय। उनके चेहरे को हमने किसके समान माना है, चांद के समान, तो चांद क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपमान। तो ध्यान में रखना है, जिसका वर्णन किया जाए उसे उपमेय कहते हैं, और उसकी तुलना हम जिस व्यक्ति या जिस वस्तु से करते हैं उसे हम उपमान कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फिर मैंने आपके लिए एक सूत्र बनाया यहाँ पर, जो पहला शब्द जमा कहते हैं इसे हिंदी में, जोड़ के समान, यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, के समान या रूपी, विग्रह करते वक्त आप सिर्फ इन दोनों शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग जहाँ पर करना है उचित स्थान पर ही आप करोगे, या तो ये या तो ये। फिर जमा दूसरा शब्द, पहला शब्द प्लस के समान रूपी और दूसरा शब्द। अब मैंने यहाँ पर जितने भी ये हैं, ये इसे हम क्या कहते हैं, ये याद रखिए, इसे हम कहते हैं समस्त पद, और इसे हम कहते हैं समास विग्रह, समास विग्रह। तो यहाँ पर प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, तो हमने यहाँ पर क्या किया, के समान का प्रयोग हमने यहाँ पर किया, प्राणों के समान प्रिय। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, स्त्री जो है वह रत्न के समान है, ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न, नयन बाण, नयन रूपी बाण, कनकाव, कनक के समान आभा, कनक मतलब होता है सोने, सोने के समान जिसकी आभा हो, चमक हो, कमल नयन, कमल के समान नयन, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, प्राण जो पहला शब्द है उसे हमने रखा है,
और उसमें हमने क्या रखा है, के समान, जिससे भी तुलना की जाती है आपको उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करना है, के समान रूपी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि कर्मधारय समास के लिए दो महत्वपूर्ण बात है। एक, पहला कि उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, और दूसरा उसमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो जब भी आपको ऐसे शब्द मिलेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किस तरीके से उसका विग्रह करना है। ये जो है वो बहुत ही आसान है। जितने भी आपके 6 भेद हैं उसमें जो मैं आपको पहले जो सिखा रही हूँ वो जितने भी है वो आसान जो है उसे हम पहले देखेंगे। उसके बाद हमने तत्पुरुष समास का दूसरा भी भेद पढ़ा था, वो था उसमें एक द्विगु समास। द्विगु समास में ध्यान में रखिए कि द्विगु समास में भी 2 शब्द होते हैं। दोनों में आपको ध्यान में रखना है कि पहला जो शब्द है वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब होता है जिसे आप गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से। जिस समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाची हो, संख्यावाची मतलब जिसे आप गिन सकते हो, ठीक है, उसे द्विगु समास कहते हैं। सबसे ज्यादा आसान है, आपको ध्यान में रखना है, जिस समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाची हो, जिसे आप गिन सकते हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास जब भी आप इसका विग्रह करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जो उसमें पहला जो पूर्व पद है, जो संख्या है, वो आपको वहां पर लिखना है। उसके बाद जो शब्द मतलब जिसकी संख्या बताई जा रही है वह आपको उसका प्रयोग बहुवचन में करना है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। अगर ये संख्या जो है आप लिख रहे हो उसमें जो उसके बाद जो शब्द आ रहा है जिसकी संख्या बताई जा रही है वो बहुवचन में आना चाहिए। और उसके बाद जब आप विग्रह करोगे तो विग्रह करते वक्त आपको इसका प्रयोग करना है, का समूह या का समाहार। का समूह मतलब क्या होता है, जब आप अलग अलग चीजों को एक समूह में रखते हो उसे हम वहां पर हम उसका प्रयोग का समूह करेंगे। और का समाहार मतलब होता है जिसके अंदर, जैसे मैंने कहा कि नवरत्न, तो नवरत्न में 9 रत्न अपने आप ही समाहित हैं, तो इसलिए वहां पर हम समाहार का प्रयोग करते हैं। और अगर आपने परीक्षा में समाहार के स्थान पर समूह भी लिखा तो आपके अंक कटेंगे नहीं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि द्विगु समास मतलब जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें पहला शब्द जो है वह क्या है, संख्या है। अब इस संख्या में जब आप जिसके बारे में बताया जा रहा है उस शब्द को आप बहुवचन में रखोगे और उसके बाद आप उसे का समूह का प्रयोग करोगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। शताब्दी, शत मतलब होता है 100, और अब्द मतलब होता है वर्षों। शत अब्दों का समूह, मैंने यहाँ पर आपको इसका अर्थ भी दिया है जिससे कि आप इस शब्द को याद रख सकते हैं। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, शत अब्दों का समूह। त्रिलोक, त्रि त्रि मतलब क्या होता है, 3, 3 लोकों का समूह। पंचामृत, पंच मतलब होता है 5, 5 अमृतों का समूह। नवरात्र, नव मतलब 9, 9 रात्रियों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह।
चौमासा, मास मतलब क्या होता है महीना, चार मासों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। तो आपको ये ध्यान में रखना है जो अब तक हमने पढ़ा, कर्मधारय समास में जिस समास में विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान का संबंध हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष में जब आप विग्रह करोगे तो है जो का प्रयोग करना है, और जब आप उपमेय और उपमान के संबंध में आपको के समान या फिर रूपी शब्द का प्रयोग करना है। और द्विगु समास में आपको ध्यान में रखना है जिस समास का पहला पद, पूर्व पद संख्यावाची हो, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास में जब आप विग्रह करोगे तो संख्या, तो इसके बाद उस शब्द का बहुवचन और उसमें का समूह या का समाहार का प्रयोग करोगे। अधिकतर स्थान पर आप का समूह का ही प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके आधार पर आज हमने जो दो भेद पढ़े हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, उसके आधार पर मैंने यहाँ पर प्रश्न दिए हैं और इस प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। तो ध्यान दीजिए इस पर, और इसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितना आप अभ्यास करोगे, अभ्यास जो होता है अच्छे अंक लाने के लिए, और वह हमें यह भी दिखाता है कि हम कितना सोचते हैं व्याकरण के विषय में और वो कितना महत्वपूर्ण है। तो अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए समस्त पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। परीक्षा में भी आपको इसी तरीके से प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, तो जब ये क्या है समस्त पद, जब आप इसका विग्रह करोगे उस पर आधा अंक होता है, और जब आप समास का नाम लिखोगे उस पर आधा अंक होता है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा देख लीजिए।